उम्मीद करता हूँ सभी तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही होगी। मुझे बगैर जरा सभी लोग कंफर्म कर दें। चलिए भाई, सभी लोगों को गुड इवनिंग। आई होप मेरी आवाज़ सभी लोगों तक पहुंच पा रही हो। मुझे एक बार कंफर्म कर दो सभी लोग। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं राजीव महिंद्रा आप सभी का वेलकम करता हूं। और जैसा कि मैं बताता हूं आपको, स्टैटिक के शो में आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों, सभी लोगों को भाई राधे राधे। तो आज जैसा कि मैंने वादा किया था लास्ट सेशन में मंडे को, क्योंकि पता है भाई वीक में 2 ही दिन मुलाकात होती है, मंडे और थर्सडे को। तो जैसा कि मैंने आज वादा किया था कि आज जीएस के हर पेपर से क्वेश्चंस हैं, मीन्स जीएस में हिस्ट्री में, जीएस में पॉलिटी, जीएस में ज्योग्राफी, जीएस में इकोनॉमी, आज पूरा माहौल बनेगा। और ये मेरा वादा है कि आज के क्वेश्चन आप देख के आपके दिमाग की बत्ती रियली में घुलेगी कि आज क्वेश्चन रियली में कैसे हैं। तो ओके भाई, सभी लोगों को अगेन गुड इवनिंग टू ऑल मेंबर। और एक ही काम कहूंगा सबसे पहले, क्योंकि याद होगा वीक में मैं डेली नहीं आता हूँ यहाँ पर, कभी कभी आता हूँ, 2 बार आता हूँ। तो एक बार लिंक को कॉपी करो और जहाँ तक हो सके जिस मीडियम पे आप ऐड हो बस एक बार दोस्त शेयर कर दो, क्योंकि आज का सेशन बहुत खतरनाक होने वाला। और रियल में याद रखना, आज जीके की बत्ती के दिए से बत्तियाँ गुलेंगी सभी लोगों की। तैयार हो सभी लोग? भाई मुझे बताओ, ताबड़तोड़ बैटिंग होगी आज। तो मुझे बताओ जरा जल्दी से, सभी लोग रेडी हैं आज के सेशन के लिए? टेंशन मत लेना, थोड़े क्वेश्चंस घुमा के मैं पूछा हूँ आज, ठीक है? बट याद रखना क्वेश्चन आज बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं। और आज के जो क्वेश्चंस होंगे, मैं पहले बता देना चाहता हूँ, आप बैंक एग्जाम देने जाओगे उसके लिए इम्पोर्टेंट है, आप एसएससी का देने जाओगे उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ में याद रखना, अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो या देने वाले हो, तो याद रखना आज के क्वेश्चन आपको वहां से बहुत ईजिली कवर होंगे, ठीक है? तो भाई सभी लोगों को गुड इवनिंग। यस विनीत बंसल जी, आज का सेशन एकदम दिमाग की बत्ती गुलेगी सभी लोगों की, ठीक है? तो तैयार है सभी लोग? मुझे बताओ सभी लोग जल्दी से चैट बॉक्स में लिखे यस सर वी आर रेडी, तो मैं सेशन की शुरुआत करूं। जल्दी से मुझे बताओ। ओके, तो ये रहा पहला क्वेश्चन, ध्यान से घबराना नहीं, बड़ा आसान क्वेश्चन मैंने पहले रखा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विच एमोंग द फॉलोइंग कंट्री इज करंटली द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू द इंडिया? निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी कंट्री है जो वर्तमान में सबसे ज्यादा भारत को कच्चे तेल का निर्यात करती है? मुझे बताओ जरा जल्दी से आंसर क्या होगा। ईरान है, सऊदी अरेबिया, यूएई, नाइजीरिया, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर मैं बोलूं ईरान की कैपिटल, तो तेहरान है, बिल्कुल सही है। सऊदी अरेबिया रियाद है, यूएई अबू धाबी है, नाइजीरिया अबुजा है, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना उस कंट्री का नाम है सऊदी अरेबिया। कहते हैं जो यहाँ के शासक हैं जिनका नाम है किंग सलेमान, याद रखना, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑन दिस प्लेनेट, इनको अवार्ड दिया गया, सम्मानित है ये। एंड ही इज द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया एंड वॉज रैंक्ड एट 16 इन द टॉप पावरफुल पीपल 2016 लिस्ट ऑफ द फोर्ब्स। यानी कि जरा सोचो, फोर्ब्स की लिस्ट आती है मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड में, उसमें इनका रैंक 16 नंबर पे था। ओके, तो भाई सभी लोगों को आंसर बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा, सभी लोगों को आंसर सही आ गया। बहुत लोगों ने कहा 1, बहुत लोगों ने कहा 2, बहुत लोगों ने कहा 3। याद रखना आंसर हमारा सऊदी अरेबिया है, ठीक है? आगे चलते हैं, अगला, ध्यान से घबराना नहीं, बड़े आसान क्वेश्चन आ जाए, ठीक है? थोड़ी दिमाग की बत्ती घुलने वाली है। हु वॉज द फर्स्ट वोमेन टू विन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1903? यानी पता होगा सबसे पहले 1903 में, 1903 में नोबेल का प्राइज दिया गया था पहली वोमेन को। आपको बताना उस वोमेन का नाम क्या है। मैरी क्यूरी, जेन एडम्स, अल्वा मायडन या जोडी विलियम्स? किसको 1903 में नोबेल का प्राइज मिला था फिजिक्स में, मुझे बताओ उस वोमेन का नाम। वेरी नाइस बेटा, बहुत ही शानदार यार। एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दो सभी लोग, बहुत लोगों को पता नहीं है क्योंकि डेली तो मुलाकात हो नहीं पाती, इस कारण से एक बार मुलाकात कर दो जरा सभी लोगों को,
किसी का छूटना ना चाहिए आज, ठीक है। देखो बहुत लोगों ने आंसर दे भी दिया और बहुत लोगों का आंसर आ गया है यस, बहुत लोगों ने कहा ए ए ए ए ए, वेरी नाइस सुनील जी, सुनील जी नाइस, कुंद ने कहा ए, सैलजा ने भी कहा वन, वॉट इज द राइट आंसर, वन इज द राइट आंसर, बिल्कुल याद रखना मैरी क्यूरी, ये बेटा एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ध्यान से समझना, आज ताबड़तोड़ बेटिंग होने वाली है। जरा समझते हैं इनके बारे में, थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। द फर्स्ट वोमेन टू विन ए नोबेल प्राइज वॉज मैरी क्यूरी, हु वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1903 विथ हर हजबेंड पैरी क्यूरी एंड हेनरी बेकोल, ठीक है। इन 1911 सी वॉन द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री ऑल्सो फॉर आइसोलेशन ऑफ रेडियम, यानी कि इनको दो बार मिला नोबेल का प्राइज, एक बार मिला फिजिक्स में और एक बार मिला 1911 में किसके लिए, केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। वेरी नाइस, वेरी गुड। अगला, वॉट वॉज द थीम, वॉट वॉज द थीम ऑफ वर्ल्ड डायबिटीज डे जो हम लोग हर साल मनाते हैं 14 नवंबर को, आपको बताना है लास्ट ईयर जो मनाए हैं नॉट 2019 में, उसका थीम क्या था, फैमिली एंड डायबिटीज, आईज ऑन डायबिटीज, वोमेन एंड डायबिटीज, प्रोटेक्ट एंड डायबिटीज एंड डिसअपीयर एजुकेशन एंड प्रिवेंशन, क्या आंसर होगा बताओ मुझे जल्दी से, 1 2 3 4 और यहां कर लो भाई 5 नंबर, यानी कि हम लोग जो हर साल मनाते हैं 14 नवंबर को, क्या मनाते हैं बेटा 14 नवंबर को मनाते हैं विश्व मधुमेह दिवस, आपको बताना है कि उसका थीम क्या था 2019 का, तो याद रखना जो थीम था वो थीम था फैमिली एंड डायबिटीज, परिवार और मधुमेह इज द थीम। अगला बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, तो याद रखना कितनी बार ये पूछा गया है क्वेश्चन एसएससी के एग्जामिनेशन में, यह क्वेश्चन याद रखना एसएससी में बहुत बार बेटा पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज डिवोटेड टू विष्णु, यानी कि ऐसा कौन सा डांस है जो भगवान विष्णु को समर्पित है, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथक या मणिपुरी, व्हाट इज द राइट आंसर। भाई सभी लोगों को अगेन गुड इवनिंग, जो लोग अभी जुड़े उन सभी लोगों को भाई अगेन गुड इवनिंग, वेरी नाइस। याद रखना मंडे और थर्सडे दो दिन मुलाकात होती है ताबड़तोड़ बैटिंग, और आज का सेशन रियली देखना, आपको आज के क्वेश्चन देखना आपको एहसास होगा कि रियली में आज का आपका सेशन क्या होगा स्टैटिक वाला। तो याद रखना यह क्वेश्चन का अगर आंसर मैं बोलूं तो उनका नाम है मोहिनीअट्टम। जरा थोड़ा समझते हैं, कहते हैं जो भरतनाट्यम है याद रखना डांस, ये डिवोटेड है बेटा टेम्पल गॉड को, परफॉर्म बाय देवसी इन तमिलनाडु, यानी कि हम कह सकते हैं जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु से रिलेटेड है, ठीक है। जो मोहिनीअट्टम है याद रखना ये बेसिकली डांस डिवोटेड है विष्णु को, और ये केरला का बहुत फेमस एक डांस है, ठीक है। यानी यहाँ से दो डेटा हम लोग का निकला, मोहिनीअट्टम कहाँ से है, केरला से, और जो भरतनाट्यम है वो कहाँ पे है बेटा, तमिलनाडु से, ठीक है। अगला, अगर आप लोग ने एक मूवी देखी होगी अलाउद्दीन खिलजी, तो जरा सुना होगा इस नाम, इनका नाम बेटा बहुत ही है, हु वॉज द फेमस स्लैग जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अगर आप लोग ने मूवी देखी होगी तो सर पता होगा, चित्र देखो और आंसर दो। उस अलाउद्दीन खिलजी शासक का जो स्लैब था, जो गुलाम था, उस गुलाम का नाम क्या है, बख्तियार खिलजी, मलिक कफूर, ईसा खान नियाजी या मोहम्मद बिन कासिम। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी साउथ का बहुत बड़ा मतलब तानाशाह रहा, और उसने साउथ में बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो बहुत बैटल जीती थी, अलाउद्दीन खिलजी की बात करें साउथ की, उसका गुलाम कौन था, इस मूवी में बहुत इसका बहुत बड़ा रोल था, उसका नाम है मलिक कफूर इज़ द राइट आंसर, मलिक कफूर इज़ द राइट आंसर, याद रखना यह एक फेमस अलाउद्दीन खिलजी का बहुत फेमस शासक था, और याद रखना ये एग्जाम में बेटा बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। अगला, हम लोग सभी लोग जानते हैं बहुत फेमस है मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत, तो आपको बताना है कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, जो अभियान ये चल रहा है, अगर मैं इसकी बात बोलूं तो इसी अभियान के अंतर्गत जो मनरेगा की राशि है ना, उस राशि को बढ़ा दिया गया है, आपको बताना है उस राशि को बढ़ा के कितना कर दिया गया, जो पहले राशि थी 182 रुपए, जिससे पूरे भारत में करीब
13.62 करोड़ फैमिलीज को इसका फायदा हुआ। यानी आपको बताना है जो मनरेगा की बढ़ी हुई मजदूरी है अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान, वह मजदूरी कितनी है? 202 रुपए, 220 रुपए बेटा। ओके बेटा सुनिए, देखो बहुत सही, वेरी गुड। 100 दिनार में उसको खरीदा गया था, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। देखो आज सेशन यार ताबड़तोड़ बैटिंग होनी चाहिए यार। जो लोग देख रहे हैं सेशन को लाइक कर दो, और आप लोग के हाथ में है कि सेशन को कहां कहां पहुंचा सकते हो। जितने भी ग्रुप में आप ऐड हो वहां पे डाल दो लिंक कम से कम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाद में मुझसे पूछते हैं सर पता नहीं चला, तो उनको थोड़ा बता दो। क्योंकि मॉर्निंग में तो डेली आता हूं 11:30 पे, तो डेली उनको पता है, बट इवनिंग में डेली नहीं आता तो सबको पता नहीं चल पाता है। वेरी नाइस बेटा, बहुत ही शानदार आंसर हमारा हो गया 202 रुपए। और याद रखना छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जी जी जो सबसे ज्यादा मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी देता है, ठीक है। अगला, प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत किसानों को कितना बेनिफिट दिया जाने लगा? हाउ मच अमाउंट पेड टू फार्मर अंडर एग्जिस्टेंस पीएम किसान टू बेनिफिट 8.7 करोड़ फार्मर। 8.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए मौजूदा पीएम किसान योजना के तहत कितना भुगतान किया गया? 2500 रुपये, 6000 रुपये, 5000 रुपये, 2000 रुपये या इनमें से कोई नहीं? याद होगा आपको, अभी बहुत फेमस एक योजना चल रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसको योजना चल रही है, आपको सुना होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, टोटल किसान को 6000 रुपए दिया जाता है, जिसके 3 इंस्टॉलमेंट दिए जाते हैं, 2000 बेटा 2000 और 2000। तो याद रखना इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा बेटा 2000 रुपीज। वेरी नाइस। नो, इसका जो बेटा आंसर होगा, यहां पे सही कर लेना, आंसर हमारा होगा 6000 रुपीज। टोटल 6000 रुपए दिया जाता है, ठीक है, 2000 रुपए के 3 इंस्टॉलमेंट होते हैं। ओके, अगला, आपातकालीन स्वास्थ्य प्रतिक्रिया पैकेज के लिए आत्मनिर्भर भारत में लगभग कितने करोड़ रुपए का पैकेज रिलीज किया गया? 67 रुपीज हाउ मच करोड़ फॉर इमरजेंसी हेल्थ रिस्पॉन्स पैकेज। मुझे बताओ जरा जल्दी से आंसर क्या होगा, व्हाट इज द राइट आंसर बेटा। वेरी नाइस विकास यादव जी, अजय कुमार जी, आरिफ अली साहब, वी आर मिश्रा, धान सिंह खुराना जी, वेरी गुड, एंड जुनेजा जी ऑल्सो, वेरी नाइस, यस विकास, वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू। तो याद रखना इस पैकेज के लिए टोटल दिया गया है 15000 करोड़ रुपए अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान, याद रहेगा सभी लोगों को। वेरी नाइस, बहुत ही शानदार। चलो अगला, कामाख्या टेम्पल बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत बार रेलवे में एग्जाम में आया है, स्टैटिक में आया है, बताना है कि कौन से प्रदेश में है कामाख्या टेम्पल, बड़ा ही फेमस है। आसाम में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, अरुणाचल प्रदेश में है, कहां पर है कामाख्या टेम्पल? वेरी नाइस। आज के क्वेश्चन आपको हिलाएंगे, हर सेगमेंट से मैंने आज क्वेश्चन ऐड किया है, ठीक है ना, इतना आसान नहीं, इसलिए स्टैटिक को इतना आसान बनाना है। वेरी नाइस, तो याद रखना ये आसाम में है, कहां पर है? आसाम में है, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो गया, आसाम में। जरा थोड़ा समझते हैं इसके बारे में, जो कामाख्या देवी टेम्पल है, याद रखना इज वन ऑफ द मेन 51 शक्तिपीठ इन द कंट्री, यानी हमारे कंट्री में, याद रखना 51 शक्तिपीठ हैं, उनमें से एक बहुत फेमस है कामाख्या टेम्पल जो कि आसाम में है। और याद रखना ये नीलांचल हिल जो है, जो पर्वतें हैं वहाँ पर ये बसा हुआ है, गुवाहाटी के, आसाम के गुवाहाटी में ये नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है कामाख्या देवी का मंदिर, याद रहेगा। वेरी नाइस बेटा। अगला, ये तो बहुत आसान है, एक बहुत फेमस बुक थी, एक बहुत फेमस एक प्ले था जिसका नाम था ओथेलो, इसको किसने लिखी? विलियम शेक्सपियर ने लिखी, बेन जॉनसन ने लिखी, लॉप दी वेगा ने लिखी, या थॉमस मिडल्टन ने लिखी? हु हैज रिटन फेमस प्ले? और अगर आपको याद होगा इसी पे फेमस एक मूवी बनी थी ओमकारा, अगर आपको याद होगा
इसी पे फेमस एक मूवी बनी जिसका नाम था ओमकारा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। किसने लिखा इस बुक को तो याद होगा? वेरी नाइस बेटा रजत, वेरी गुड। तो जो सही आंसर है वो सही आंसर है विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है, अगला। ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। बामियान का बुद्ध कहाँ स्थित है? वेयर आर द बुद्धाज ऑफ बामियान लोकेटेड? इंडिया में है, नेपाल में है, अफगानिस्तान में है, चीन में है? वेयर आर द बुद्धाज ऑफ बामियान लोकेटेड, ये कहाँ पर है आपको बताना है। वेरी नाइस यार, बहुत ही शानदार, वेरी गुड। सभी लोगों को बता दो भाई कि मंडे, सभी लोगों को बता दो भाई मंडे को 7:30 बजे और थर्सडे को 7:30 बजे राजीव सर आते हैं भाई स्टैटिक के जीके के लिए। ठीक है, ताबड़तोड़ बैटिंग है और मुझे पूरा कराना है 2500 स्टैटिक का जीके एमसीक्यू। वेरी नाइस यार, बहुत ही शानदार। तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा हो गया अफगानिस्तान। जरा समझते हैं, जो बामियान का बुद्ध है ये याद रखना, ये अफगानिस्तान के हजरत क्षेत्र में स्थित है। कहते हैं बामियान के बुद्ध जो 6वीं शताब्दी में बनाई गई एक गौतम बुद्ध की दो मूर्तियां हैं जो कि कहां पर है? अफगानिस्तान में है। ठीक है, वेरी नाइस। अगला, ये तो शायद बहुत आसान है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? मॉस्को में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में है कि पेरिस में है? वेरी नाइस। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अच्छा, मुझके साथ इसके साथ मुझे और भी बता दो, मुझे बताओ जरा जल्दी से कि एडीबी का कहाँ है? मुझे बताओ जरा जल्दी से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहाँ है? मुझे बताओ जरा जल्दी से फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पर है? मुझे बताओ जरा जल्दी से WHO का कहाँ पर है? मुझे बताओ जरा जल्दी से WTO का कहाँ पर है? मुझे बताओ जल्दी से UNO का कहाँ पर है? मुझे बताओ जरा जल्दी से IMF का कहाँ पर है? मुझे बताओ जरा जल्दी से SAARC का कहाँ पर है? मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग बता ले जाओगे। ओके, छत्रपाल जी ने कहा माय फ्रेंड महेंद्र गुरु जी। यस छत्रपाल जी, वेरी नाइस यार। यार तुम लोग सेशन को शेयर नहीं क्यों लगता है? इंसल्ट करा दोगे मेरी। वेरी नाइस यार, आप लोग चाहोगे तो एक बार शेयर कर दो सेशन को जहां तक हो सके। तो जरा समझना, जरा जल्दी से समझते हैं। ठीक है, जो एडीबी है दोस्त वो कहां पर है? मनीला में है। एडीबी कहां पे है दोस्त? तो पता होगा ये मनीला में है। ठीक है, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो याद रखना इटली रोम में है। ठीक है, जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कहां पर है बेटा? याद रखना रोम में है। WHO और WTO ये दोनों कहां पर है? तो याद रखना ये है जेनेवा में है। UNO कहाँ पर है? तो याद रखना यह है न्यूयॉर्क में है। और IMF कहाँ पे है? तो याद रखना यह है वॉशिंगटन बेटा DC में है। ओके, और SAARC की बात करें तो कहाँ पर है ये? काठमांडू है नेपाल, वहाँ की राजधानी में है। ठीक है, चलो इसका आंसर कहाँ हो गया? यूनेस्को का कहाँ पर है? तो याद रखना ये भाई पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी। अगला, बहुत ही फेमस ये बुक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना की गई है? चंडालिका, इज एस्से ऑन गीता, बीजक या कर्मभूमि? कौन सा ऐसा है प्ले है जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है? बेटा बहुत ही फेमस है यार ये बहुत ही फेमस है। अच्छा मुझे बताओ आज के क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं? आप उसको बन रहे कि नहीं मुझे बताओ चैटबॉक्स में, इजी है, हार्ड है कि मॉडरेट है? मुझे बताओ सभी लोग चैटबॉक्स में, इजी है, हार्ड है या मॉडरेट है? वेरी नाइस, बहुत ही शानदार। याद रखना ये बहुत फेमस है उनकी रचयिता है ना, उनका नाम है चंद्रालिका। ये भी लेटेस्ट एग्जाम में भी बेटा लेटेस्ट NTPC के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक
ठीक है, जरा समझते हैं इसको, इसके बारे में। जो चंडालिका है, याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई एक फेमस, उसमें क्या कहा गया है कि चंडालिका भारत की एक अछूत जाति की एक लड़की की कहानी है, और ये बहुत फेमस एक, याद रखना, एक नृत्य नाटक है जो बहुत फेमस है, उसमें बहुत सारे प्ले भी हो चुके हैं। ओके, वेरी नाइस यार, बहुत ही शानदार, वेरी भाई, वेरी गुड, बहुत ही बेटा, बहुत ही शानदार, वेरी गुड, बहुत ही शानदार। चलो यार, कम से कम अगर 200 लोग लाइव ना देखे तो क्या इज्जत रहेगी राजीव सर की। इतनी मेहनत करके क्वेश्चन लेके आते हैं थर्सडे को, कम से कम यार शेयर तो कर दो, बहुत लोग, इतने लोग देख रहे हैं 100 लोग और लाइक सिर्फ किए 35 लोग, वाय भैया पैसा थोड़ी लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कर दो। अगला, ओम भूर्वः स्वः तस्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसको हम लोग कहते हैं गायत्री मंत्र। आपको बताना है कौन से वेद में है, विच वेद कंटेन द गायत्री मंत्र, अथर्ववेद में है, समवेद में है, यजुर्वेद में है या ऋग्वेद में, मुझे बताओ जरा जल्दी से आंसर क्या होगा। यस बेटा इति सिन्हा, इट इज नॉट मॉडरेट, इट इज वेरी हार्ड। और कोशिश करना है सभी लोगों को कि कम से कम हम लोगों को मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, और मैक्सिमम क्या करना है, सेशन को शेयर भी करना है लोगों तक। बहुत ही शानदार, याद रखना यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको डिस्कस करता हूँ स्टैटिक का। और आज के क्वेश्चन में मैंने हर सेगमेंट को अटैच किया है, चाहे वो स्टैटिक हो, चाहे सॉरी वो जीएस में कोई भी पेपर हो। तो याद रखना जो गायत्री मंत्र लिया गया, वो लिया गया है बेटा किससे, ऋग्वेद से। चार वेद होते हैं, ऋग, यजुर, सम और अथर्व, किससे लिया गया है, ऋग्वेद से। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत ही शानदार, फ्लावर नेशनल पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में है, लद्दाख में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, कहाँ पर है मुझे बताओ जरा जल्दी से कम अगर 200 लाइव नहीं हुए तो सोच लेना, हम अगली बार से आएंगे नहीं, पहले बता दिए। वेरी नाइस, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में है, लद्दाख में है, उत्तराखंड में है या हिमाचल प्रदेश में है। मैंने एक सारे नेशनल पार्क कराए हैं हम लोगों को, गलती मत करना। जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय नेशनल पार्क है कहाँ पे है बेटा, उत्तराखंड में है। ओके, वेरी नाइस। अगला, एक बहुत फेमस सेलिब्रेशन है बांग्लादेश में, फसल उत्सव, उसको क्या कहा जाता है, बसंत पंचमी, पहला फाल्गुन, नमना या पहला बैसाख। आपको बताना है कि एक बहुत फेमस हार्वेस्ट सेलिब्रेशन मनाया जाता है बेटा बांग्लादेश में, आपको बताना है उस फसल उत्सव का नाम क्या है। बहुत ही शानदार, बसंत पंचमी, पहला फाल्गुन, नमना या पहला बैसाख, आंसर बेटा क्या होगा। वेरी नाइस, बहुत ही शानदार। और सभी लोगों को पूरा सेशन देखना है और बताना है कि आपका लास्ट में स्कोर बेटा कितना है। ठीक है, सभी लोगों को बताना है कि आपका स्कोर लास्ट में कितना है। ओके, ओह माय गॉड, वेरी नाइस, हम लोग के साथ काली भैया भी जुड़े हुए हैं भाई, वेरी नाइस है और बहुत शानदार। विक्रम, खुशबू, मंगनोरी, कानन, सूरज जी, तरुण, शंभुनाथ, अंजू, पुष्पा, मणिदीपा, वेरी नाइस बेटा, सभी ने नमाना मारा है, नमना। देखिए आंसर क्या हो गया, आंसर हमारा हो गया, याद रखना, पहला बैसाख, सॉरी आंसर हमारा हो गया नमाना। और इसी जरूर याद रखना, यहाँ पे चार नहीं, यहाँ पे बेटा तीन कर लो। ठीक है, जो बंगाली हार्वेस्ट है ना, याद रखना, इसको हम लोग नमाना कहते हैं। और याद रखना ये भारत में, वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में और आसाम के कुछ पार्ट में बहुत फेमस से मनाया जाता है। और साथ ही याद रखना कहाँ मनाया जाता है बेटा, बांग्लादेश में। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं माउंट किलिमंजारो बहुत फेमस पर्वत है बेटा, कहते हैं अफ्रीका का सबसे बड़ा पर्वत है। माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, आपको बताना है कि जो किलिमंजारो पर्वत है वो किस देश से प्रसिद्ध है। याद रखना, इट इज ए फेमस बिकॉज इट इज द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, कहते हैं कि सबसे बड़ी चोटी अगर कोई अफ्रीकी महाद्वीप में है तो उसका नाम किलिमंजारो है। वेरी नाइस बेटा, बहुत ही शानदार, वेरी गुड बेटा, कोई इशू नहीं पुष्पा जी, लेट आए लेकिन दुरुस्त तो आए, वेरी नाइस।
तो याद रखना, ये बहुत फेमस है और ये है बेटा तंजानिया में। कहाँ पर है? तंजानिया में। अगर कोई मुझे जरा बताओ जरा जल्दी से कि तंजानिया की कैपिटल क्या है, मुझे बताओ जरा जल्दी से कि तंजानिया की कैपिटल क्या है। तो याद होगा इसकी जो कैपिटल है वो डुडोया है। क्या है? डुडोया है। कहते हैं जो तंजानिया कंट्री है वो 8 कंट्रियों से घिर के बना हुआ है। जैसे अगर मैं बात बोलूं तो केनिया हो गया, युगांडा हो गया, बुरुंडी हो गया, रवांडा हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक ऑफ कांगो हो गया, जाम्बिया हो गया, मलावी हो गए और मोजाम्बिक, यानी कि 8 कंट्रियों से घिर के कोई बना है जिसका नाम है क्या? तंजानिया। मुझे बताओ इसकी कैपिटल। तो याद होगा, वेरी नाइस यार नदीम साहब, बहुत ही शानदार बेटा। गुड इवनिंग आलोक तिवारी जी, डोडोमा इज द कैपिटल। डोडोमा इज द कैपिटल, वेरी नाइस। राम राम भाई। दीपक शर्मा जी लेट हो गए आज। डिलाइट डिम्बू जी ने कहा जय हिंद, जय हिंद भाई, बिल्कुल। राम राम सर जी, राम राम। चलो आगे चलते हैं। ऐसा कहते हैं कि हमारे देश में जितनी भी करेंसी छपती है, चाहे वो 2 रुपए की करेंसी नोट हो, चाहे वो 5 रुपए का हो, चाहे वो 10 रुपए का हो, चाहे वो 20 रुपीज की हो, चाहे वो 50 रुपीज की हो, चाहे वो 100 रुपीज की हो, चाहे वो 500 रुपीज की हो, और चाहे वो 2000 रुपए की नोट की हो, इन सभी करेंसी नोट को हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापती है। आपको बताना है कि ऐसी कौन सा प्लेस इसमें से नहीं है जहां पर ये करेंसी छपती नहीं है। कोची, मैसूर, साल्बोनी, देवास। देवास याद रखना एमपी में है, साल्बोनी याद रखना वेस्ट बंगाल में है, जो मैसूर है याद रखना कर्नाटका में है, और जो कोची है पता होगा हम सभी लोगों को यह केरला में है। आपको बताना है कि कौन सी कंट्री। यार कोई इशू नहीं दीपक, यार माफी नहीं, बस इस सेशन को शेयर कर दो। बहुत लोगों को एक्चुअली पता नहीं है, बहुत लोग भूल जाते हैं क्योंकि वीक में सिर्फ 2 ही बार मुलाकात होती है, मंडे और थर्सडे को, इस कारण से कह रहा हूं। तो आंसर इसका क्या होगा, कहां पर नहीं आपको बताना है। तो याद होगा, याद रखना मैसूर, साल्बोनी और देवास में है। ओके, मैसूर, साल्बोनी, देवास में है, कोची में नहीं है। ठीक है, जरा समझ लेते हैं इसके बारे में। हमारे देश में 4 मुद्रा नोट हमारे देश में 4 मुद्रा नोट छापा खाने हैं। ठीक है ना, जैसे एक याद रखना देवास मध्य प्रदेश में है, नासिक महाराष्ट्र में है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल कंट्रोल करती, समझना, देवास और नासिक को कंट्रोल करती है कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार। ठीक है, जो सालबोनी है दोस्त याद रखना यह वेस्ट बंगाल में आता है, जो मैसूर है याद रखना ये कर्नाटका में आता है, जिसको भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड कंट्रोल करती है। ओके, और कहते हैं द पेपर फॉर प्रिंटिंग, जो करेंसी नोट जिस पेपर से बनती है वो कहाँ पे बनता है? तो याद रखना वो 2 जगह है, एक मैसूर में है और एक बेटा होशंगाबाद में, यानी कि मुद्रा छपाई के लिए जो कागज होता है वो याद रखना मैसूर और होशंगाबाद में बनाया जाता है। बेटा पूरी कोशिश है कि मैं डेली क्लास लिया करूं, बट क्या करें, कभी कभी थोड़ा सा टेंशन होता है, टाइम की थोड़ी लैकिंग है। मैं डेली आता हूं, बट डेली आता हूं मॉर्निंग 11:30 पर, शाम को नहीं आ पा रहा हूं, थोड़ा बिजी शेड्यूल है, बट पूरी कोशिश करूंगा कि कम से कम वीक में मैं 3 बार तो जरूर आऊँ। ठीक है, और बेटा जो भी नए हैं वो ज़रूर मुझे बताएं कि आपको सेशन कैसा लग रहा, और ज़रूर कोशिश करें कि हमें आंसर आने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। एक रिपोर्ट आई थी अकॉर्डिंग टू द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019, ऐसा कौन सा स्टेट है जहां सबसे ज़्यादा बहुत जल्दी जस्टिस डिलीवर किया जाता है, यानी कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार कौन सा ऐसा राज्य है। अगर आज 200 प्लस हो गए तो मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि मैं डेली तो नहीं, कम से कम वीक में मैं 4 टाइम आऊंगा, अगर मेरा वादा है सभी लोगों से। अगर 200 लोग लाइव हो गए तो कम से कम मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा बोल पाऊंगा, तो मैं कम से कम वीक में 4 बार तो आऊंगा जरूर, मैं वादा करता हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो याद रखना इस रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं बोलूँ कि कौन से ऐसे स्टेट में बहुत जल्दी डिलीवरी होती है जस्टिस की, तो याद रखना बेटा पहले पे है महाराष्ट्र, दूसरे पे है केरला, तीसरे पे है तमिलनाडु और चौथे पे है बेटा पंजाब, यानी कि सबसे ज्यादा जो डिलीवरी होती है रिपोर्ट की कहाँ होती है? महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला। हम सभी लोगों को पता है स्कूल चले हम मिड डे मील स्कीम, याद है स्कूल चले, स्कूल में खिचड़ी मिलती थी। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट द
मिड डे मील स्कीम, यानी कि ऐसा कौन सा मंत्रालय है जो हमारे देश में मिड डे मील योजना को लागू करता है, मिड डे मील स्कीम को लागू करता है। भाई मैं यूपी लखनऊ से हूँ यार। मिड डे मील योजना कौन से स्टेट, कौन सी मिनिस्ट्री लागू करता है, याद रखना। और ये जो योजना है ना, सबसे पहले हमारे इंडिया में, याद रखना, भारत सरकार ने, एक जगह है नागालैंड में वोखा, याद रखना वोखा, तो कहते हैं वोखा डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले इसको चालू किया था मिड डे मील स्कीम, जो कि नागालैंड में है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, जो अभी वर्तमान में क्या हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पता होगा आपको, क्योंकि हमारे देश में, याद होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हो गई है, और इसी में एक चेंज हुआ था कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसको नाम बदल दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। ठीक है, वेरी नाइस बेटा, बहुत ही शानदार। यानी आंसर हमारा क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, अगला, जो मिड डे मील स्कील होता है, इसमें क्या होता है, हॉट मील दिया जाता है वीक में 2 टाइम। एक प्रोग्राम है जिसको MHRD फिनांस करती है, ठीक है, सप्ताह में 2 बार दूध के साथ गर्म भोजन का कार्यक्रम होता है स्कूल में, मध्याह्न भोजन मिलता है। ठीक है, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉयर, वेरी नाइस, ये साइंस का क्वेश्चन है, ऐसा कौन सी केमिकल है, ऐसी कौन सी रसायन है जो हमारे देश में, नहीं पूरी वर्ल्ड में ओजोन लेयर को खत्म करती है, सल्फर, क्लोरीन, कार्बन और सिलिकॉन। मैं हिंट दे रहा हूं, जिनके घरों में एसी होगा उनको आइडिया होना चाहिए। ओके बेटा, बिल्कुल सी हो, चलो, वेरी नाइस यार, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बेटा प्रशांत पांडे जी, आप सर्च करो @RajivMahendraGA, फोकस होना चाहिए सभी लोगों का। देखो वीआर मिश्रा ने बोल भी दिया, राजीव महिंद्रा जी, थैंक यू यार, थैंक यू साले ने जो नहीं दे, सभी लोगों को कम से कम स्कोर हम लोग को करना है एनी हाउ। ठीक है, तो याद रखना, बहुत फेमस ये केमिकल होती है, उसको हम लोग क्लोरीन कहते हैं। घरों में एसी होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें भी ये गैस पाई जाती है, जो कहीं ना कहीं ओजोन लेयर के लिए बहुत दुखदायी होती है। कहते हैं हम लोग हर साल 16 सितंबर को, पता होगा, ओजोन लेयर मनाते हैं, सॉरी ओजोन डे मनाते हैं। हर साल 16 सितंबर को हम लोग ओजोन लेयर, ओजोन डे मनाते हैं। और पता होगा एक जगह है कनाडा में, मॉन्ट्रियल, एक जगह है कनाडा में जिसका नाम है मॉन्ट्रियल, वहाँ पे प्रोटोकॉल भी हुआ था कि कम से कम हम अपने कंट्री में इस गैस को कम यूटिलाइज करें, जिससे कम से कम जो ओजोन लेयर है वो बची, नहीं तो हमारा हाल क्या होगा, डायरेक्ट सूरज से किरणें हमारे ऊपर आने लगेगी। ठीक है, वेरी नाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन अगर किसी ने बना लिया ना, मजा आ जाएगा रियली। ये क्वेश्चन ना, मतलब कि मैं कहूँ तो ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द क्वार्टरनरी सेक्टर, इनमें से ऐसा कौन सा है जो चतुर्भुज क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिशरीज, मछली पालन, मैन्युफैक्चरिंग या माइनिंग। मुझे बताओ जरा जल्दी से बेटा। परवीन चौहान जी, बिल्कुल कोई जॉब बेटा नहीं बंद होगी, ठीक है, टेंशन नहीं लो कोई दोस्त, कोई भी जॉब बंद नहीं होगी, बड़ा टेंशन में है बहुत लोग, टेंशन नहीं, कोई भी जॉब ऑलरेडी IBS ने अपना कैलेंडर भी बेटा रिलीज कर दिया है। ठीक है, टेंशन नहीं, अभी 2023 में क्या कहते हैं 2 साल है। यस रंजीत जी भाई, बिल्कुल आपका नाम भी मैंने ले लिया। ओके, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम लोग कहते हैं क्या, याद रखना, क्वार्टरनरी सेक्टर। और एक साथ में एक और इसमें डेटा मैं ऐड कर दूं, याद रखना जो क्वार्टरनरी सेक्टर है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉलेज सेक्टर, कहते हैं चतुर्भुज क्षेत्र को ज्ञान क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। ओके, आगे, अगर ये बता दिए तो मजा आ जाएगा, ऐसा कौन सा लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है जो बांग्लादेश में है, यानी कि बांग्लादेश का, जरा सोचो, मॉडर्न कंट्री है ना, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन है, यही बांग्लादेश है जो इंडिया में रिपब्लिक डे की परेड में उनकी सेना आई थी, याद होगा परेड में शामिल हुई है, ऐसी तीसरी कंट्री है बांग्लादेश। बेटा वेरी नाइस, बहुत ही शानदार, वेरी गुड, बहुत ही शानदार।
बेटा देखो, किसी ने पूछा मुझसे, अभी पूछ रहे हैं कि 100% गवर्नमेंट जॉब वाले कह रहे हैं कि मेरा पेपर था NTPC का 100+। देखो आपने पेपर दिया ना, अब भूल जाओ, आपने पेपर दिया भूल जाओ, जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, ठीक है। याद रखना इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हमारा है, याद रखना, ढाकेश्वरी। ढाकेश्वरी जरा समझते हैं कहाँ से बना ये। कहते हैं ये ढाका में लोकेटेड है, ये कहां पर है, ढाका में लोकेटेड है, द ढाकेश्वरी टेम्पल। कहते हैं इट इज द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इन बांग्लादेश, ढाका में स्थित, ये याद रखना, बांग्लादेश का सबसे बड़ा हिंदू मंडल है। कहते हैं ढाकेश्वरी मीन्स होता है गॉडेस ऑफ ढाका, एंड इट इज बिलीव दैट द सिटी ऑफ ढाका इज नेम ऑफ द गॉडेस। कहते हैं जो ढाकेश्वरी का अर्थ है ढाका की देवी, और यह माना जाता है कि ढाका शहर का नाम इन्हीं देवी के नाम पर रखा गया था। यार अगर 200 आज लाइव हो गए तो वादा करता हूं इस वीक में कम से कम 4 बार आऊंगा, टेंशन नहीं लेना, बट डिपेंड है, मेरी कंडीशन है भाई, कम से कम 200 लाइव। वेरी नाइस, स्वाति ने कहा कैपिटल से पता चल जाएगा, ठीक है। अगला बड़ा ही आंसर, वंसदा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, वंसदा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, गुजरात है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, देखो महाराष्ट्र 2 बार हो गया, सॉरी इसे आप कर्नाटका कर लीजिए, तो तीसरा कौन सा है बेटा, कर्नाटका है, तीसरा कौन सा है दोस्त, लगता है कि आज तुम लोग वीक में 4 बार पहुंचा ही दोगे, बस 170 लोग हो गए हैं, 30 लोग और हो जाओ, तो वादा है वीक में कम से कम मैं 4 बार आऊंगा, चाहे संडे को क्यों ना मुझे आना पड़े, मैं आऊंगा जरूर, मेरा वादा है, प्रॉमिस, बस मुझे लाइव दिख जाए 200 लोग तब मजा है, उससे कम में कोई विकल्प नहीं हो। ओ माय गॉड, देखो 2012 के एक बच्चे हैं, थैंक यू यार सुमित, थैंक यू, 2012 में उन्होंने मुझसे क्लास की थी पटना में, ओके अब मुलाकात हो रही है ना, वेरी नाइस। चलो जितेंद्र कुमार जी ने कहा यस बेटा, कुछ नहीं बस डेली सेशन देखिए और पढ़िए, बिल्कुल सारा चीज स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो जरा मुझे बताओ आंसर तो इसका हो गया गुजरात, मुझे जरा बताओ जल्दी से कि गुजरात में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क मैंने कराए हैं, मुझे बताओ जरा सभी के नाम मुझे बताओ, क्योंकि पता है मैंने सारे नेशनल पार्क कराए हैं आप लोग को ट्रिक के फॉर्म में, अगर आपको लोग याद होगा तो मुझे बताओ जरा जल्दी से गुजरात में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं, उनके नाम लिख के दिखाओ मुझे जल्दी से। हाँ, कुंदन ने कहा मैं आऊंगा, यस कुंदन, यार यार आप लोग कम से कम, यस बेटा मंजू प्रसाद जी, मैं मॉर्निंग में डेली आता हूँ 11:30 पर बैंक की क्लास के लिए, मतलब करंट अफेयर्स के लिए आता हूँ, और वीक में 2 बार ही आ रहा हूँ, अब आप लोग के ऊपर है कि 2 बार बुलाना चाहते हो कि 4 बार बुलाना चाहते हो, आपके ऊपर है, अगर 4 बार बुलाना चाहते हो तो आप 200 लाइव हो गए तो मैं 4 बार आ जाऊँगा भाई, मेरी भी कमिटमेंट है भाई, ठीक है। हाँ डन, चलो डन, अगर 300 लाइव हो गया मोहित यादव जी तो डेली आऊंगा, वादा है, ऐसे डेली आता हूँ, देखो मेरी जो डेली क्लासेस हैं वो डेली मैं आता हूँ मॉर्निंग 11:30 पर, बट वो आता हूँ बैंकिंग के लिए, करंट के लिए, अगर स्टैटिक के लिए चाहिए, GS के लिए तो मैं डेली आऊंगा, बट कंडीशन है, देखो आपने बोला फिर हो ही गया बेटा, डेली क्लास नहीं होती है, डेली क्लास होती है बैंकिंग की 11:30 पर, इवनिंग में होती है 2 दिन, मंडे और थर्सडे को, बता दो सभी लोगों को कम से कम, यार लोगों को बता दो। तो देखिए आंसर क्या है, ब्लैक बग नेशनल पार्क जो कि वेलादर में है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, मैरिन नेशनल फॉरेस्ट पार्क, गल्फ ऑफ कच्च की बात करते हैं, और साथ में याद रखना वंसदा, ये चारों जो नेशनल पार्क हैं बेटा वो याद रखना बेटा। ओम प्रकाश जी मॉर्निंग 11:30 में, देखो ऊपर लिखा हुआ है ना, सभी लोगों को दिख रहा है ऊपर, डेली यूट्यूब क्लासेस 11:30 AM बाय राजीव सर, ऊपर लिखा हुआ है ना, मैं डेली आता हूँ मॉर्निंग में 11:30 पर, जिनको अपना करंट बैंक कुछ भी स्ट्रॉन्ग करना है यहाँ मुलाकात करिए, मॉर्निंग में डेली आता हूँ, ठीक है। तो मुझे जरूर बताइए कि मेरा सेशन कैसा लगा, और 200 लोगों में सिर्फ मात्र 12 लोग बचे हुए हैं, और तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा 2 मिनट जल्दी से, और मुझे जरा कुछ आंसर बता दीजिए जल्दी से, मुझे बताओ जरा जल्दी से,
नंबर वन, मुझे बताओ जरा जल्दी से कि IMF में टोटल कितने मेंबर हैं। दूसरा क्वेश्चन, मुझे बताओ जरा जल्दी से कि वर्ल्ड बैंक में कितने मेंबर हैं। मुझे बताओ जरा जल्दी से तीसरा क्वेश्चन कि ADB में कितने मेंबर हैं। मुझे बताओ जरा जल्दी से चौथा क्वेश्चन कि 27 सितंबर को क्या मनाते हैं। मुझे बताओ जल्दी से जरा 9 जनवरी को क्या मनाते हैं। मुझे बताओ जरा जल्दी से 24 जनवरी को क्या मनाते हैं। मुझे बताओ जरा जल्दी से 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं। मुझे बताओ जरा जल्दी से कि 15 जनवरी को क्या मनाते हैं। एक और लिख लो, 10 जनवरी को क्या मनाते हैं। बताओ जरा जल्दी से, इतना ही टाइम है आपको कम से कम 200 प्लस ले जाने के लिए, उसके बाद टाइम नहीं खत्म हो जाएगा। बेटा दीपक शर्मा जी, बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है, ठीक है, बिल्कुल भरोसा है। नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा लो क्वेश्चन भी लिया, क्वेश्चन बहुत लो नहीं, हार्ड नहीं थे, नॉर्मल थे, ठीक है, वेरी नाइस, बहुत ही शानदार। तो जरा समझते हैं, जो 1 मार्च है, जो IMF में मेंबर है टोटल 190, बिल्कुल ठीक है। वर्ल्ड बैंक में कितने हैं, 189, याद रखना। ADB में कितने हैं, 68। 27 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे, कितने मना क्या मनाते हैं, वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते हैं 27 सितंबर को। 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, NRI डे, क्या मनाते हैं, NRI डे। 24 जनवरी को क्या मनाते हैं, बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं। 1 दिसंबर सभी को पता होगा HIV डे मनाते हैं। 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। और 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हिंदी डे भी मनाते हैं। ओके, तो बहुत ही अच्छा लगा आप सभी लोगों से जुड़ के, और यस थैंक यू टू ऑल, और उम्मीद करता हूँ कि सभी को सेशन पसंद आया होगा। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि किसी भी टॉपिक को मैं बहुत इजी वे में करा जाऊँ। हाँ, जिनको बजट पे सेशन करना है, क्योंकि मैंने आज मॉर्निंग में सेशन लिया है, बजट 21-22 के इंपॉर्टेंट MCQ जरूर देखिएगा, और टुमारो मैं लेके आने वाला हूँ बजट का पार्ट 2, तो जरूर टुमारो जुड़िएगा मेरे साथ मॉर्निंग 11:30 में बजट का सेकेंड पार्ट देखने के लिए, ठीक है। आई होप आपको कुछ सेशन समझ में आया होगा, याद होगा, और ऐसे ही बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और कहिए कि GOGS कभी रुलाता नहीं, GOGS हमेशा हंसाता है। अगर सेशन पसंद आया, इसे आप जरूर लाइक करें, कमेंट करें, और इस वीडियो के नीचे मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप वीक में कितने दिन सेशन चाहते हैं। अगर मेरे पास डिमांड ज़्यादा आ गई तो मैं डेली क्लास लूँगा, वादा है आप लोगों से, ठीक है।